अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 3 मार्च 2024 और तकरीबन 11 बजे हुए हैं सुबह के, और हम मौजूद हैं बहावल नगर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने। बहावल नगर पाकिस्तान का 54वां बड़ा शहर और एक मशहूर व मरूफ शहर, ज़रई शहर, कारोबारी शहर, और उसका रेलवे स्टेशन आपको आज दिखाने के लिए हम आए हुए हैं। स्पेशली मैं इस्लामाबाद से निकला, मुल्तान आया कल, और सारी रात मैं मुख्तलिफ जो रूट की बसेस थी उनमें धक्के खाने के बाद पहुँचा हूँ बहावल नगर। तो धक्के खाने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि अगर ट्रेन होती तो मैं बड़े आराम से समा सट्टा जंक्शन से बैठता और बहावल नगर उतर जाता। तो दोस्तों, बहावल नगर रेलवे स्टेशन जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से जो है वो वर्क नहीं कर रहा, तकरीबन 2011 से अबेंडन है ये पूरा सेक्शन। और सेक्शन के बारे में आपको बता दूँ कि ये समा सट्टा अमरूका सेक्शन है, और इनिशली ये था समा सट्टा बहावल नगर दिल्ली सेक्शन, जो कि 711 किलोमीटर लंबा था, और तकसीम के बाद ये अमरूका तक रह गया। तो अभी चलते हैं हम अंदर और आपको रेलवे स्टेशन के हालात दिखाते हैं कि आजकल 2024 में ये किस हालत में है। लेकिन सबसे पहले तो आप इमारत देख लें, बाहर से एक्सटीरियर इसका वही विंटेज लुक है, क्योंकि अंग्रेज़ ने बनाया था तो आज तक ये उसी हालत में है। बहावल नगर जंक्शन है बेसिकली, और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक जो है वो जाता था फोर्ट अब्बास वाया डोंगा बोंगा और हारूनाबाद, और ब्लॉक सेक्शन था वो। सामने है टिकट घर, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ चल के। ये लें जी, ये आप विंडो देख रहे हैं बहावल नगर जंक्शन की, जो कि क्लोज्ड है, लकड़ी की इसके ऊपर जो है वो लगा हुआ है, इसके ऊपर तख्ता। अभी आप आसार देख रहे हैं अबेंडेंड वेटिंग हॉल के, क्या ह्यूज बिल्डिंग है यार ये बनी हुई, और हालत देखें आप इसकी क्या हो चुकी है। दराड़ें आ चुकी हैं दीवारों के अंदर, बसीदा छतें हैं बिल्कुल, और वेटिंग हॉल जो है वो इंतज़ार में है मुसाफिरों के। टिकट काउंटर भी इंतज़ार में है कि कोई आए और टिकट ले। ये लें जी, टिकट विंडो बंद पड़ी हुई है। अभी यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, रिजर्वेशन बर्थ 100 रुपये की, उसके बाद रिजर्वेशन सीट 25 रुपये, प्लेटफॉर्म 5 रुपये। उसके बाद जी यहाँ पे ज़रूरी इतला लिखी हुई है, वो भी आपको पीछे से चल के मैं दिखाता हूँ। सामने आपको किराया नामा नज़र आ रहा है बहावल नगर जंक्शन का, गाड़ियों के औकात भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें 317 अप अमरूका से समा सट्टा और 318 डाउन समा सट्टा से अमरूका लिखी हुई है। और इनकी जो टाइमिंग है 317 अप की वो है 9 बजे की और 9:15 पे उसकी रवानगी है, जबकि 318 डाउन की टाइम है 15 बजे की, यानी कि 3 बजे की, और 15:15 पे उसका जो है डिपार्चर है। और किराया जो है वो लिखा हुआ है अमरूका का 60 रुपये सोभे वाला जी, भैंस ने भी एंट्री डाली, सोभे वाला 50 रुपये, मंडी सादिक गंज 45, मदरसा 25, चिश्तियाँ 40, बख्शन खान 45, हासिलपुर 60, शेख वाहन जो है वो 110 रुपये, टामे वाली 110 रुपये, बगदाद 150 और समा सट्टा जंक्शन 160। ये लें जी, ये दाखिली रास्ता है बहावल नगर जंक्शन का। इधर बैटरी रूम आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर लॉक लगा हुआ है। ऊपर छत देखें आप, सामने कोई नोटिस बोर्ड था जो कि अब गल सड़ चुका है। ये दाखिली दरवाज़ा जहाँ पे जो TCR स्टाफ है वो खड़ा होकर कभी टिकट चेक किया करता था, पर आजकल आपको नज़र आ रहा है ये किस हालत में है। इसके अलावा सामने एक और ब्लैक बोर्ड जिसके ऊपर मुख्तलिफ ट्रेनों के औकात कार और किरायानामा दर्ज होते होंगे। तो ये फर्स्ट लुक है बहावल नगर रेलवे स्टेशन की। अभी चलते हैं हम यहाँ से अंदर। ये बरामदा है और इसमें तमाम जो सरकारी दफ्तर रेलवे के वो मौजूद। देखें जी क्या लिखा हुआ है,
फर्स्ट एड पोस्ट है और इसके अलावा प्रोहिबिटेड एरिया है, फ़ोटो लेना मना है। क्यों जी, पाकिस्तान नहीं है ये? इसके अलावा यहाँ पे मोहम्मद अली जिना साहब का कॉल जो है वो लिखा हुआ है, आवर मोटो यूनिटी डिसिप्लिन फेथ। सीडी वार्डन्स पोस्ट नंबर A1 तो दोस्तों ये इब्तदाई जो इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, वो आप देख रहे हैं भावनगर जंक्शन की। तो तमाम जो एरिया है भावनगर जंक्शन का वो आपको घूम फिर के मैं दिखाऊंगा। तो हालात दोस्तों आपके सामने हैं, देख रहे हैं आप, इमारत मौजूद है पर ना ट्रेन है और ना पैसेंजर है। तो अभी जो यार्ड है उसकी भी मैं आपको हालत दिखाता हूँ चल के बाहर। अच्छा, यहाँ से देखें बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसकी। हालांकि 2011 से ये अबेंडन है रेलवे स्टेशन, पर इसकी जो इमारत की जो शान है वो आज भी बाकी है। साया करने के लिए ऊपर शेड मौजूद है, लगा हुआ है अभी भी। और भावलनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन जो है वो 1894 के अंदर जो है वो एक्टिव हुआ था, बना था ये रेलवे स्टेशन। ऊपर लिखा हुआ भी है हाइट अबव सी लेवल जो है वो 514 फुट है। इस वक्त पूरे रेलवे स्टेशन पे या मैं हूँ या आप मेरे साथ मौजूद हैं या ये खाली बेंचेस पड़े हुए हैं अपने पैसेंजर्स के इंतज़ार में कि वो लोग आके इस पर बैठें। तो अभी एक नज़र डालते हैं भावनगर जंक्शन के यार्ड पे। ये देखें जी, यार्ड तो मौजूद है पर यार्ड में से जो रेलवे लाइंस हैं वो उखाड़ ली गई हैं। कोई भी आपको एक भी रेलवे लाइन नज़र नहीं आ रही पूरे यार्ड में। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 और उसके साथ आगे 3। तो ये लुक है जी भावनगर जंक्शन रेलवे स्टेशन के यार्ड की। तो दोस्तों अभी सामने आप एक बोर्ड देख रहे हैं जो ट्रेन चेंज करने के हवाले से बोर्ड लगा हुआ है जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। इस पे लिखा हुआ है समासट्टा, चिश्तियाँ, मंडी, सादेकगंज, अमरूका, हरूणाबाद और फोर्ट अब्बास के लिए जो ट्रेन हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त हमारे साथ भावलनगर के रहायशी महबूब अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा सर, आपको मैंने देखा आप यहाँ पे वॉक कर ले थे तो आपको मैंने रोक लिया। जी जी। तो थोड़ा सा ही टाइम लूंगा मैं आपका। आपने कभी सफ़र किया अपने इस रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन तक? बड़ा सफ़र किया जी, कराची तक जाते रहे जहाँ तक ट्रेन समर सटे से कराची। अच्छा, जहाँ भी जाना होता पहले ट्रेन ही यूज़ करते थे, बस यूज़ नहीं करते थे। आपको याद है कब से बंद हुआ ये? 2011 से ब्रेक हुआ है जी। जी जी। और 21 में आके उन्होंने दोबारा काम शुरू किया कि जी ये दोबारा बनाना है या जो भी करना है। तो ये पटड़ियाँ छटड़ियाँ जो इन्होंने खाड़नी शुरू की हैं और उसके बाद ये कुछ साल जी 6 महीने ये काम चला है, बेड वगैरह बनाना शुरू किया था। जी जी। लेकिन वो सारा कुछ ही अब इन्होंने ब्रेक कर दिया है और इनका जो सामान वगैरह जो लाए थे वो भी अपना ले गए और जो लाइन की पट्टी थी वो भी ले गए। तो इस टाइम तो सर ये सारा उजाड़ ही किया हुआ इन्होंने और जो मुश्किल शहर को है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बस का सफ़र मैं खुद नहीं कर सकता क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आया था बस के सफ़र। फर्ज करें आपको मुल्तान जाना पड़े तो कैसे जाएंगे? सर मुल्तान अब जाना पड़े तो हम ये सोचते हैं दो तीन बसें बदलेंगे और नॉन एसी इस्तेमाल करेंगे। एसी यूज़ नहीं कर सकता मैं, खुद एसी यूज़ नहीं कर सकता। अच्छा मुझे बताएं कोई ट्रेन का नाम याद आपको जो चलती थी यहाँ पे? यहाँ से जो ट्रेन उस टाइम जाती थी मतलब के भावनगर से समय जाती थी जी, समय जाके इंजन चेंज हो जाता था। सही है, ठीक है सर। और फिर उसके आगे फिर जो भी कराची थ्रू आउट होती थी मुल्तान से जो भी आती थी ट्रेन या जो भी मतलब और बाबा फरीद से जिसे भी अटैच करते थे फिर ये कराची की तरफ चली जाती थी। तो महबूब साहब आपको कोई अंदाज़ा कि ये काम जो हुआ था स्टार्ट इसकी दोबारा से रिहैबिलिटेशन का वो बंद क्यों हो गया? बस सर हौसला देकर चले गए जी, ये शुरू होगा दोबारा लेकिन अभी तक बस हौसले में हमें रखा हुआ है। अभी इन्होंने दोबारा शुरू नहीं किया। अभी इनसे भी पूछते हैं रेलवे वालों दोस्तों से कि भाईजान ये कब तक स्टार्ट के चांसेज हैं? वो कहते हैं जी कोई मुश्किल है।
अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूंगा, अभी गुज़श्ता दिनों ही इलेक्शन होके हटे हैं जी जी, तो यहाँ के जो नुमाइंदे हैं जी जी, क्या भावलनगर की आवाम को रेल चाहिए या नहीं चाहिए, तो नुमाइंदों के पास क्यों नहीं जाते लोग? सर ऐसे है कि भावलनगर की आवाम को रेलवे तो चाहिए, 100% चाहिए, क्योंकि सामान आना होता है, कराची से आना होता है सामान, कुछ कस्टमरों का, दुकानदारों का, और जो नुमाइंदे हैं वो माशाल्लाह नुमाइंदे हमारे ऐसे हैं कि उनके पास अपनी खुद की गाड़ी, उनको ज़रूरत नहीं है रेलवे की, रेलवे की तो हम जैसे गरीबों को ज़रूरत होगी ना, उनको तो ज़रूरत ही नहीं है रेलवे की, तो इसलिए उनको ज़रूरत नहीं है रेलवे की, तो वो उस पर तवज्जो भी नहीं देंगे अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। जिन पर जारी को लैन को रोज़ उनके लिए क्या चीज़ है रेलवे, कोई चीज़ नहीं है। रेलवे उनके लिए चाहिए कि जिन्होंने कम किराए में जाना हो, अच्छा सफ़र करना हो, और जो बसों से परेशान हो। कम से कम 7-8 साल पहले मेरे वाले साहब ने काफ़ी एप्लीकेशनें इनके बारे में मूव की हैं कि जनाब इसको बनाया जाए बनाया जाए, वो फोत हो गए हैं, लेकिन रेलवे नहीं बना। अब उसका मैं बेटा खड़ा हूँ जी, ठीक है, मकसूद अली के नाम से एप्लीकेशनें काफ़ी गई हैं और नहीं बनी, चल चल है, सब्र ही है, इनका सब्र ही हो सकता है जी, अब क्या करें। बहुत शुक्रिया महबूब साहब, थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, इस वक्त हम भावलनगर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे मौजूद हैं, और यहाँ भी देखें रेलवे लाइन उखाड़ ली गई है। वजह मैं उसकी आपको बताऊंगा कि क्यों उखाड़ी गई है लाइंस, और आपने सुन भी लिया है, भाई साहब से हमने बात की, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2। स्लीपर देखें पड़े हुए हैं ऊपर, और यहाँ भी रेलवे लाइन मौजूद नहीं है। जो वाटर हाइड्रेंट हैं वो लगे हुए हैं अभी तक, इंटैक्ट है। तो अच्छा, साइड आपको मैं बता दूं, ये वाली साइड जो है ये लीड कर रही है टूवर्ड्स मिंचनाबाद मंडी सादेकगंज, इसका पुराना नाम मैक्लोडगंज था, उसके बाद आगे अमरूका फाजिलका इंडियन बॉर्डर, और फिर आगे दिल्ली, और दिल्ली से पहले बठिंडा। तो बेसिकली ये बठिंडा भावलनगर समा सट्टा लाइन थी, ठीक है, और ये वाली साइड जो है ये आगे लीड कर रही है टूवर्ड्स समा सट्टा, और उससे पहले जो बड़े शहर हैं उनमें चिश्तियाँ और हासिलपुर। दोस्तों सामने जो है वो शेड है भावलनगर जंक्शन का, चलते हैं अभी अंदर शेड के और आपको शेड दिखाते हैं किस हालत में है। नहीं दोस्तों, लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक तो मौजूद नहीं है भावलनगर जंक्शन पे, पर आपको जानवर जो है वो नज़र आ रहे हैं, जो बड़े मज़े से सैर कर रहे हैं भावलनगर जंक्शन के शेड के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी चलते हैं इनके पीछे पीछे। अच्छा, शेड के अंदर जो लाइन्स जाती हैं उनमें से 2 लाइन्स सामने आपको नज़र आ रही हैं, और इसी तरह 2 लाइन्स जो हैं ब्रॉड गेज की लाइन है, ये भी मैं बता दूं, वो इधर भी मौजूद हैं और शेड के अंदर की तरफ जा रही हैं। तो ये जो हैं अभी तक नहीं उखड़ी, इनको हाथ नहीं लगाया गया था, उसकी भी कोई टेक्निकल रीज़न रही होगी। तो अभी चलते हैं शेड के अंदर, शेड आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। ये शेड की एक इमारत जो बिल्कुल ही मखदूश हालत में है और ख़त्म हो चुकी है, यहाँ से देखें। ये भावलनगर जंक्शन आप देख रहे हैं दोस्तों इस वक्त, और ये भावलनगर जंक्शन का शेड नज़र आ रहा है, पिट लाइन भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पे लोकोमोटिव जो हैं वो उनकी जो छोटी मोटी मेंटेनेंस है डेली बेसिस पे वो हुआ करती होगी। उसके अलावा साइड पे जो इमारत है और उसके अंदर जो दफातर बने हुए थे उनकी हालत मैं आपको दिखा देता हूँ एक झलक, यहाँ से देखें ज़रा। ये एक वाटर हाइड्रेंट जो है वो लगा हुआ है शेड के अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसी तरह ही 2 वाटर हाइड्रेंट जो है वो आगे लगे हुए हैं। ये नहीं, शेड का एक और पोर्शन आप देख रहे हैं भावलनगर जंक्शन का, जो कि बिल्कुल उजाड़ हो चुका है,
और वीरानी के डेरे हैं हर तरफ। तो अभी हम चलते हैं आगे, आपको फुट ओवर ब्रिज दिखाते हैं और आगे से थोड़ा यार्ड दिखाते हैं। जी ये सामने आपको फुट ओवर ब्रिज नज़र आ रहा है जो कि कनेक्टेड है तमाम प्लेटफॉर्म से, और स्टेशन से बाहर से लोग जो दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं वो भी गुजर सकते थे इस फुट ओवर ब्रिज के ज़रिए। और इस फुट ओवर ब्रिज की जो हालत है वो भी काफ़ी मखदूश है। तो बॉटम लाइन ये है कि पूरा रेलवे स्टेशन और इसका स्ट्रक्चर जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होने की ज़रूरत थी। तो दोस्तों अभी दूसरी साइड से आपको मैं फुट ओवर ब्रिज और तमाम रेलवे स्टेशन दिखा रहा हूँ, और बिल्कुल वीरानी के डेरे हैं बहावल नगर जंक्शन पे। अगर आप ये साइड जाएँ, डाउन साइड जाएँ टूवर्ड्स बठिंडा जंक्शन या आगे अमरूका की तरफ, तो पहला जो रेलवे स्टेशन था बहावल नगर जंक्शन के बाद वो था मिट्टी डोया, और इसी तरह फिर आगे मिंचनाबाद मंडी सादिकगंज और फिर अमरूका। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिनका ताल्लुक बहावल नगर से है, और इनसे पूछते हैं कि बहावल नगर की जो कुल ट्रेन थी वो कितनी चलती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अख्तर। अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप बताएं आपने सफ़र किया होगा ट्रेन में, कितनी गाड़ियाँ चलती थी बहावल? सात गाड़ी चलती थी, दो जाती थी अमरूका, दो फोटावास, तीन समय सट्टे जाती थी। और कब तक चलती रही कोई याद है? जी जी आज से 15 साल बाद, पहले बाद यानी कि 2011 तक चलती रही। तो बंद क्यों हो गया सेक्शन जब चल रहा था? तो जी जो इंतजामी आ जाए ना, लुट के खा गए सारे इंजीनियर महकमे वाले, काम करते नहीं थे, रेल का भट्टा बैठा दिया उन्होंने, यानी कि हालत बुरी होगी इस वजह से इसको बंद कर दिया। तो दोबारा भी काम शुरू हुआ था 2021-22 में था जी, मतलब आया थे लेने पर चले गए, उठ के आए नहीं, फिर दोबारा आए नहीं, आए नहीं काम करने वास्ते। अच्छा, उन्होंने माल भट्टा बेच दिया। चले वो तो उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लिए उखाड़ा था ना, कि पुरानी उखाड़ के नई लगाएंगे, निकल गए फट गए। सही है। तो आपने सफर किया, कहाँ कहाँ सफर किया ट्रेन में? कराची जाते रहे। कराची तक? यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन थी कराची की? वो की आती लगती तो ये सुबह जाती है शाम को जाती थी। अच्छा अच्छा। ये गड्डी लगती थी शहीन से लग जाता था जाके, फ्रीज एक्सप्रेस लग जाता था गड्डी जाके, समय सट्टे जाके। सही है। तो आप चाहते हैं कि दोबारा बहावल नगर स्टेशन का रौनक हो जाती है? बाल होने से गड्डियाँ चल रही, बड़े रौनक हो जाती है, कारोबार होगा लोगों का, बाजार की रौनक हो जाती है। अब ये रेल बाजार फेल हो गया। चले वो तो बाजार है, पर ये है कि आवाम को सहूलत तो यहाँ मिलेगी। किराया घाटा है, सहूलत बड़ी है, टट्टी पेशाब का गड्डी का नुमाइश पड़ सकता है, और बस में तो बंदा बैठ के जुड़ के बैठ जाता, हिलता नहीं होता बंदा ऐसे बैठा है। बहुत बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, थैंक यू। देखें ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है बहावल नगर जंक्शन पे, और इस वक्त मैं घूम रहा हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। तो अभी हम आपसे तफसील शेयर करते हैं कि बहावल नगर जंक्शन जो है आज इस किस हालत में है और उसकी वजह क्या है। अभी हम बात करते हैं बहावल नगर जंक्शन पे दोस्तों। और बहावल नगर जैसा कि आप जानते हैं 1894 में बनाया गया, और दिल्ली बठिंडा बहावल नगर जंक्शन समा सट्टा ये रेलवे लाइन थी जिसकी कुल लंबाई 711 किलोमीटर थी, और पार्टीशन के बाद जो हिस्सा पाकिस्तान में आया वो उसकी जो लेंथ बनी रेलवे लाइन की वो बनी 257 किलोमीटर तकरीबन, और बहुत ही मसरूफ़ ये जंक्शन था, और इसकी हालत काम ना होने की वजह से मखदूश हो चुकी थी, और 2011 में इस रेलवे स्टेशन को अबैंडन कर दिया गया। और उसके बाद फिर पाकिस्तान रेलवे ने 2020 में टेंडर किया इसकी रिहेबिलिटेशन का पूरे सेक्शन की, जितनी भी इसकी लेंथ है समा सट्टा से लेके बहावल नगर तक, और इसको दोबारा से नया बनाया जाना था। एक प्राइवेट कंपनी ने इसका टेंडर भरा और 2021 के अंदर जो है काम का आगाज़ हो गया। जब 2021 में प्राइवेट कंपनी ने बहावल नगर जंक्शन और समा सट्टा तक पूरे सेक्शन के ऊपर काम का आगाज़ किया, तो इसी दौरान मुल्क के अंदर जो डॉलर प्राइस इन्फ्लेशन थी वो जो है तब्दील हो गई, और डॉलर की कीमतें जो हैं वो एकदम ही आसमान पे चली गई, और उस वजह से पाकिस्तान रेलवे और प्राइवेट कंपनी के माबेन छोटा सा तनाज़ा जो है वो रेट्स के ऊपर पैदा हुआ। ऑब्वियसली
जो सीमेंट की बोरी 300 रुपए की थी वो पहले वाले रेट पे, वो जब डॉलर का रेट बढ़ा और उसके साथ प्राइजेज भी जो हैं वो सारी ऊपर चली गई, तो वही सीमेंट की बोरी हो सकता है उस वक्त 500 रुपए की हो गई हो, तो वो जो प्राइस एडजस्टमेंट थी वो हो ना सकी और इस वजह से प्राइवेट कंपनी ने अपना काम जो है वो बंद कर दिया, जो आज तक बंद है। और बहावल नगर की आवाम आज भी इस इंतज़ार में है कि यहाँ कब ट्रेन की घन गरज सुनाई दे और वो आसानी से अपने प्यारों से मिलने के लिए मुल्क के दीगर हिस्सों में सफ़र करें। तो ये है असल स्टोरी बिहाइंड भावल नगर जंक्शन। और काम रुकने की वजह भी आपको बता दी, क्योंकि एक बार फिर बता देता हूँ कि जो टेंडर की प्राइस थी उसके अंदर काम करना मुश्किल हो गया था प्राइवेट कंपनी के लिए, क्योंकि प्राइजेज डॉलर रेट ऊपर जाने से बढ़ चुकी थी और रेलवे और उस प्राइवेट कंपनी के दरमियान जो है वो तनाज़ा रहा और हल ना हो सका और उस वजह से प्राइवेट कंपनी ने काम करना बंद कर दिया। ये सामने भी आप कुछ दफ्तर देख रहे हैं पाकिस्तान रेलवे के बने हुए, और कतार के अंदर बहुत ही खूबसूरत दरख्त मौजूद हैं जो कि सूख चुके हैं। बाहर की आमद आमद है पर ये दरख्त जो है अभी तक हरियाली पकड़ी नहीं इन्होंने, और हो सकता है इसकी एक वजह हो कि इनको जो पानी मिलना था वो पानी मिल नहीं सका, तो अभी तक ये सूखे हुए हैं। इसके अलावा सामने भावल नगर जंक्शन रेलवे स्टेशन की मस्जिद भी नज़र आ रही है आपको। एक मीनार है इस मस्जिद का और उसके ऊपर अल्लाह अकबर लिखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, रेलवे स्टेशन के ऊपर एक जो है वो प्लेट लगी हुई है और इस पर लिखा हुआ है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की खसूसी मंजूरी से बहाली रेल सर्विस बहावल नगर फोर्ट आबाद सेक्शन इफ्तिताह, जनाब चौधरी अली अकबर वैंस साहब MNA हलका NA 146 और पार्लिमानी सेक्रेटरी अफरादी कुवत व मेहनत। और उसके साथ नीचे एक और साहब हैं हमरा सरदार सैफुर रहमान किसरानी बलोच साहब, डिवीजनल सुपरिटेंडेंट पाकिस्तान रेलवे मुल्तान। आज मवरखा 13 अप्रैल 1995 को अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह किया ज़ेर निगरानी मियाँ मोहम्मद अरशद डिवीजनल इंजीनियर पाकिस्तान रेलवे। जी सामने मौजूद है सिग्नल कैबिन, वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं बहावल नगर जंक्शन का एक कैबिन जो सिग्नल कैबिन है, और इस बिल्डिंग को जो है वो बनाया गया था अप्रैल 1920 में, पर जैसा कि आप जानते हैं कि स्टेशन जो है वो 1894 का बना हुआ है। और अगर पूरे सेक्शन की बात करूं मैं बठिंडा से लेके समासट्टा तक, तो ये जो पूरा सेक्शन था वो कंप्लीट हुआ था 1897 में। तो सेक्शन के ऊपर हम मज़ीद भी बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। आप देखेंगे बहावल नगर से अमरूका तक मैं कोशिश करूंगा कि इंडियन बॉर्डर तक जो आखिरी रेलवे स्टेशन है उसको कवर करूं, और रास्ते में जितने भी स्टेशन आएंगे वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बहावल नगर जंक्शन पे फ्रेट बर्थ भी मौजूद है, उसके आसार ही अब आप इसको कह सकते हैं आसार रह गए हैं, पर वर्किंग जो है स्टेशन के साथ साथ ये भी ख़त्म हो चुकी है। जबकि पीछे आपको रेलवे क्वार्टर्स नज़र आ रहे हैं और बाहर जो गीले कपड़े हैं वो फैलाए हुए हैं सूखने के लिए, तो इसका मतलब है कि जो रेलवे क्वार्टर्स हैं और जो अमला है वो एक्टिव है और मौजूद है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ भी पीछे जो है रेलवे क्वार्टर मौजूद है। नहीं दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं बहावल नगर जंक्शन के टर्न टेबल पर, ब्रॉड गेज का टर्न टेबल। ये 1894 में लगाया गया और आज रेलवे इंजन के इंतज़ार में मौजूद है यहाँ पे अकेला। तो दोस्तों बहावल नगर जंक्शन जो है वो बहावल नगर से अगर आप बॉर्डर की तरफ जाएं तो इंडियन बॉर्डर तकरीबन यहाँ से 14 से 15 किलोमीटर दूर है, और अगर पंजाब में इलाके की बात करें तो बहावल नगर शहर जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ आप इसको कह सकते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत मैं आगे पीछे कर रहा हूँ क्योंकि जुग्राफिया से मेरा कोई इतना ताल्लुक़ है नहीं ज़्यादा। रेलवे आप देखें, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो जो भी मेरे बहावल नगर शहर के फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन सब का शुक्रिया। वो काफ़ी अरसे से मुझे याद कर रहे थे अपने शहर में, तो आज स्पेशली मैं बहावल नगर रेलवे स्टेशन पे मौजूद हूँ, और अपने तमाम दोस्तों से माजरत भी कि मैं थोड़ा सा लेट भी हो गया। उम्मीद है खुशी खुशी मुझे माफ़ करेंगे। मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ भी है कि पाकिस्तान रेलवे तरक्की करे,
और बहावन नगर का ये सेक्शन समासट्टा तक बल्कि अमरूका तक इसको चलना चाहिए, क्योंकि आगे भी बड़े शहर हैं जिसमें मंडी सादिकगंज है, मिंचनाबाद है, बड़े बड़े मंडियाँ हैं ये कारोबारी। तो अगर कोई मामलात रुके हुए हैं किसी भी वजह से तो उनको सॉल्व होना चाहिए और पाकिस्तान रेलवे के इस मशहूर और मरूफ जंक्शन को दोबारा से आज़ाद होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो स्पेशली बहावल नगर के नाम, उम्मीद है आज का कंटेंट आपको पसंद आया होगा। फ़हीम मलिक को बहावल नगर जंक्शन से इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।